गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू हनीकॉम टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश फॉर क्लास सेवेंथ। द शेड। देयर इज अ शेड एट द बॉटम ऑफ आर गार्डन विद अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर। इसमें शेड का मतलब होता है अ स्मॉल कवर्ड स्पेस फॉर डंपिंग गुड्स, जहाँ पर जैसे पशुशाला हो गया, हमारा जहाँ माल गोदाम सामान में रखते हैं उसे बोलते हैं शेड। और बॉटम मीन्स होते हैं कि लोअर पार्ट, उसके तले में। विद द स्पाइडर्स वेब, स्पाइडर्स वेब मीन कॉब वेब, कॉब वेब मीन्स मकड़ी का जाला। द हिंस आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड। इसमें हिंस का मतलब है जॉइंट्स, जो हमारे जैसे कब्जे कर लेते हैं। रस्टी मीन्स ओल्ड एंड हैविंग रस्ट, जंग लगे हुए। क्रीक मीन्स जैसे मेक अ शार्प साउंड, जैसे कर्र कर्र का शोर होता है, आवाज़ आती है जैसे जंग लगी चीज की वैसी। When I am in bed, I lie and I listen. I will open that door one day. इसमें जो इसमें पोइट है वो बोल रहे हैं कि हमारे बगीचे के एक छोर पर एक पुराना जो एक माल गोदाम है, दरवाजे पर मकड़ी का जाल काफ़ी लटक रहा है, उसके हर जगह कब्जों कब्जों पे कोने कोने में जंग लगी हुई है और वे तेज़ हवा चलने पर कर्र कर्र का शोर करते हैं। जब मैं बिस्तर पर लेटती हूँ तब वे शोर सुनती हूँ। एक दिन मैं उस दरवाजे को जरूर खोलूंगी। There's a dusty old window around at the side, जो इसमें dusty means से covered with dust, धूल जमी हुई है। With three cracked panes of glass, cracked means broken, दरार पड़े हुए। panes of glass होते हैं कि जो खिड़की के शीशे होते हैं हमारे doors, ये sheet glass cut in shapes for a windows। I often think there's someone staring at me. स्टेयरिंग मीन्स होते हैं कि लुकिंग थ्रू, मतलब जैसे झांकना। ईच टाइम डैट आई पास, आई विल पीप थ्रू डैट विंडो वन डे। शेड की एक और जो पुरानी खिड़की है जिस पर बहुत सारी धूल जमी है, जिसके तीनों शीशे जो हैं दरक चुके हैं, मतलब जैसे दरार आ चुकी है, और मैं जब भी उसके पास से गुजरती हूँ तो मुझे अक्सर लगता है कि कोई मेरी ओर झांक रहा है। मैं भी किसी दिन उस खिड़की के अंदर ज़रूर झांकूंगी। माई ब्रदर सेज देयर इज अ घोस्ट इन द शेड। अब घोस्ट तो सबको ही पता है कि भूत होता है, स्पिरिट होती है, और शेड मीन स्टोर हाउस। हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इन साइड ही विल जम्प आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड बट आई विल टेक अ पीक वन डे। अब इसमें हाइट्स तो पता है, अ कवर्ड प्लेस जैसे गोदाम जैसी जगहें। चॉप ऑफ मीन्स कट, काटना, बेहद जैसे कोई चीज़ कट कर देना। पीक लुक इन, झांकना। अब इसमें वो बताती है कि मेरा भाई कहता है कि उस शेड में जो गोदाम है वहाँ एक अंदर एक भूत या प्रेतात्मा रहती है जो फर्श पर बिछे लकड़ी के तख्तों के नीचे छिपी रहती है, और यदि मैं अंदर कदम रखने का साहस करूँगी तो वह भूत वहाँ से बाहर निकल जाएगा और मेरा सिर जो है वो कट कर देगा, पर मैं एक दिन उस स्टोर में अवश्य जाऊँगी। I know that there is not really a ghost. My brother tells lies to keep the shed for his den. इसमें den का मतलब है a place to hide, जैसे कोई छिपने का स्थान होता है। There is not anyone staring or making strange noises. Staring means looking hard, जैसे कोई तीखी नज़रों से देख रहा हो। And the spider has been gone from his web. Since I don't know when, I will go into that shed one day soon, but not just yet. वो इसमें जो पोइट है वो बोलती है कि मैं जानती हूँ कि कोई भूत प्रेत नहीं होते हैं, मेरा भाई जो है वो झूठ बोलता है ताकि वह स्टोर, उसके छिपने का स्थान जो है बना रहे। अंदर से कोई ना तो झांकता है और ना ही कोई अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालता है, और जो मकड़ा तो अपने जाल से बहुत समय पहले ही जा चुका है, तो मैं उस स्टोर में एक दिन ज़रूर अवश्य जाऊँगी, पर अभी वह समय नहीं आया है। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट।